सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड कौशाम्बा जय के देवी नारायणी नमस्ते।
त्रिशूलचन्दाहिधरे महाभृजवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमस्ते मयूरकुकुटभृज महाशक्तिधरे नने कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमस्ते शङ्खचक्र गदाचार गृहीता परमायुधे कलिदलक्षरीरूपे नारायणि नमस्ते गृहीतोगमाचक्रदक्षोदितवसुन्दरे वरारूपिणि शिल नारायणि नमस्ते निशृङ्गरूपेण हन्तध्यजाङ्गिदमे त्रैलोक्यकालसहित नारायणि नमस्ते त्रिणि महावज्र सहस्रनयन जले वृत्वप्राणे नारायणि नमस्ते शिवभूते स्वरूपेण महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्ते दक्षाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मन्दमदने नारायणि नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सत्ये पुष्टिसुदेध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्ते मेढे सरस्वती वरे भूतिभव्रजितामति नियते त्वमृषिदेशे नारायणि नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वयवस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमस्ते एतत्ते वर्णनं सौम्य लोचनतयभूषितम् पातुना सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्ते ज्वालाकरालमद्युग्रमजशासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो वीते भद्रकाले नमस्ते विनास्ति दैत्यतेजांसि स्वर्णेनापूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पाप्यभ्यो नः सुदानिव अशुभासिकुभापङ्गजिलस्ते करोज्जलः शुभाय कर्गो भवतु चण्डिकेतां नदा वयम् रोगाणशेषाणपहंसि तुष्टा हृष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपां नराणाम् त्वामाश्रितायां प्रयान्ति एताकृतं यत् कलनां द्वयाभ्यां धर्मादिषां देवि महासुराणां रूपेरनेकैर्बहुधात्वमूर्ति कृत्वाम्बिकेदात् प्रकरोदिकान्यां विद्यासुशास्त्रेषु विवेकदिवे श्राद्धेषु वाक्येषु जगात्तदन्यां मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्ते तदतीवैषं रक्षासि यत्तो कविजार्चनागा गत्कारोदस्य वरानि यत्त दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्रास्ति नाम परिपाति विश्वम् विश्वेश्वरीदम् परिपाति विश्वम् विश्वाधिकाधारयते विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाय त्वैवाक्तिनम्रः देवी प्रसीदपरिपाघयवेद नित्यं यथा सुरवधा गुरुदेव सद्यः पापानि सर्वजगतः प्रशमं नयासु
संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम कन्या विकरवालकेन विरसत् हस्ता विरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेन विजिगाश झापं गुणं दधे विप्रानामनरात्मिकां शशिधरां दुर्गान्द्रिधे
विक्रमा
पश्यतामेव देवाना तत्ते वन्दरधीयत तेऽपि देवान्निरातङ्कः स्वाधिकारायिना परा यक्षभागविनाशले चक्रविनिहतारयः देव्या च देव्यानेने शुम्भे देवैव यदि यज्ञविद्धं तर्हि तस्मै महाक्रेतलविक्रमे निशुम्भे च महावीरे शेषः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सानित्यापि पनापनः शम्भूय कुरुते भूग जगतः परिपालनम् तन्मोयते विश्वं सर्व विश्वं प्रसूयते राजायिताज विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं कैत सकलं ब्रह्मारमणयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टैव वत्तया कृष्णि भूतानां सेवकाले सनातने भवकारिणीनां सेव दक्षे वृद्धि पदाग्रहे सेवालावे कदालस्य विनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिरा पुष्पे धूमगन्धादिविस्तरा गदातिवित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीयापः शुभ भवेत् न कर्षं नार्गला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठवनं भवेत् हरिगोयोदरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनीयम पार्वती मारणं मोहनं वशं सम्भरोजाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका सत्तमोत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्यै ॐ गौं हौं क्लीं यं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्यै ज्वल हंसं हंसं वत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्डे नमस्ते मधुवर्धने नमः केतवहारिण्ये नमस्ते मैषादिने नमस्ते शुम्भहं तेज निशुम्भादुर्गादिने व्याघ्रमहे महादेवे यपं सिद्धिं प्रदर्शमे हेमारे दृक्षरूपाय ऋङ्गारे प्रतिपालिका क्लीकारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डगापि च एकारि वरदायने विद्यजाभैर्धादित्य नमस्ते मन्दरूपिणीं धां ह्रीं ह्रूं गुर्यगे पद्मे भां ह्रीं भूमागदीश्वरीं क्रां ह्रीं ह्रूं कालिकादेवीं शां श्रीं सोमे शुभं करां हं हं हङ्काररूपिण्यै जं 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 भनादिनीं भ्रां ह्रीं भ्रोगरवे वद्धे भवाने जय नमो नमः अङ्कं चण्डं दं वं यं षं विदुं ऐं षं धिराग्रं धिराग्रं त्रोदय दोदय धीप्तं गुरुगुरु स्वाहा पां ह्रीं भूं पार्वते पुरां पां ह्रीं सकृशरेभ्या भन्दहृदयं प्रदर्शमे हिन्दुगुञ्जिका स्तोत्रं भन्दयाघतिहेतरे अभक्तेनैव दातव्यां गोप्यं रक्ष पार्वती जस्वगुञ्जिकया देवी लीला सप्तशरेम्बरे नाथश्च जायते सिद्धे
अरण्ये रोदनं यथा। श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आप दुर्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगज्जापि देवेश्वरूपे नमस्ते जगद्भक्तपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी नमस्ते जगत् समानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी श्री भगवती
स्तोत्र जय भगवती जय Yeah.
सुनो अपराध सहस्रानी यंते हन समया दासोऽयं देवामत्त्वं समस्त परमेश्वरे आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनः पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षकनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए अब सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का रख का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा
जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जयकारा, शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो वश में पूर्ण होती है वह भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ती हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस्तथै भजाम्य हम, मुझको जो जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। एवं अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम ये जनाः भजुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भजाम्य हम। जो भक्तजन अनन्य भाव से अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योगक्षेम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश दे रहे हैं, स्वयं माता जी ने भी इन्हीं पद्म स्तोत्रों में जिनका आपने पाठ किया अपने महात्म को प्रकट करते हुए कहा हुआ है। उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिहुद्मोत्पाद महात्म्यम शमेनम। माता जी कह रही हैं कि मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। यत्ते तत्पठ्यते सम्यक नित्यमायतनेमम सदाना तद्य मोक्षामि सान्निध्यम तत्र मे स्थितम। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन भीति पूर्वक मेरे इस महात्मा पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, अर्थात वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। वली प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्य महोत्सव सर्वम ममे तत्चरितम उच्चारम शाभमेव। वलिदान पूजा होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे चित्त का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर जानता जानता वापी बलि पूजाम तथा कृताम प्रतिच्छिच्छाम पीत्यावन्नी होमम तथा कृतम। मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। विशेष रूप से माता कह रही है कि शरद काले महापूजा कृते जाच वार्षिकी तस्यान ममेतन महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता सर्वावाधार विदर मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महत्व को भक्ति गुरु सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धन एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए सभी भक्तों को श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। सचियां जोतां वाली माता जयकारा, शेरां वाली जीदा। यद्यपि ये देवी नित्य हैं, अजन्मा हैं, परंतु जब भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय संसार में उत्पन्न ही कहलाती हैं। एक बार स्वयं भगवान विष्णु खीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और घोर निद्रा ने उनको उनको निमग्न हो गए थे। तभी उनकी कान की मैल से दो असुर उत्पन्न हुए जिनका नाम मधु और कैटव था। उन्होंने आकाश में बिजली कौंती हुई देखी और ऐं अक्षय का नाद सुना। इसी का उन्होंने हजारों वर्ष अनुशीलन किया और वरदान के रूप में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। तब वो निरंकुश होकर के जल कीड़ा करने लगे, जल जंतु को सताने लगे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की नाभि से जो कवल प्रकट हुआ है उस पर ब्रह्मा जी आसीन हैं। उनके पास गए और वल में उन्माद के कारण उनसे कहने लगे कि महाराज हमारे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने देखा ये दो वली राक्षस हैं और मैं अकेला हूँ, इनका बल जाने बिना मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूँ। तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को उनसे प्रार्थना की, परंतु भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। जब वो नहीं जागे तो वो उन्हीं योग निद्रा का स्तवन करने लगे जो भगवान विष्णु की आंखों में व्याप्त थी। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वमि वर्षकारा स्वरात्मिका स्वधात्म के नित्य त्रिधा मात्रात्मा सदा अर्धमात्रा सदा नित्या जानुचारा अवशेषता त्वमि संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा। देवी आप ही संध्या है, आप ही जननी है, वेद माता है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति से संबंध करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती हैं। हे माँ आप प्रकट हूँ, स्वयं भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं उनको ही जब आपने घोर निद्रा में निमग्न कर दिया है तब आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझे विष्णुदास शंकर जी को आपने ही जो स्वरूप दिलाया है। हे माँ आप प्रकट हूँ,
भगवान विष्णु में इतनी शक्ति प्रकट करो कि वो इन दोनों जो दैत्यों का वध कर सके, साथ ही इनकी बुद्धि को मोहित कर दो। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन योग माया की स्तुति की जो भगवान विष्णु की आंखों में व्याप्त थी, तब योग माया भगवान विष्णु के वक्षस्थल से वायुओं से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। और योग माया के निकलने पर शायद भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने देखा कि दोनों जो महान दैत्य मधु और कैटव थे वो ब्रह्मा जी का वध करने का उद्योग कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु उनके साथ वाहु युद्ध करने गए। 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा परंतु वो दैत्य उनसे परास्त नहीं हुए। भगवान विष्णु ये जानने में असमर्थ थे कि मैं क्यों नहीं इनको मार पा रहा हूँ, यदि मैं दानवारी हूँ। उस समय उन्होंने कहा कि आप दो हैं, बारी बारी विश्राम कर रहे हैं, मुझे विश्राम करने दो। और विश्राम करने के बहाने उन्हें समाधि अवस्था में देखा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और दूसरा ये मेरे अंश हैं। तब उन्होंने दुर्गा की स्तुति की। माता ने कहा कि आप पुनः इनके साथ युद्ध करो, मैं उनकी बुद्धि को मोहित कर दूंगी। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और उनकी बुद्धि मोहित होने पर दैत्य ने कहा कि भगवान विष्णु हम आप पर प्रसन्न हैं, हम दो हैं, आप अकेले हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमसे कोई वरदान मांग लो। जब उनसे वरदान मांगा तो भगवान जो जानते थे कि ये मेरे द्वारा नहीं मारे जाएंगे, तब उन्होंने झट से ये वरदान मांग लिया कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे द्वारा मारे जाओ। तब उन्होंने देखा कि हम छल कपट में आ गए हैं। उस समय कहा उन्हें चारों ओर जल देकर के, ठीक है हमारा वध वहाँ कीजिए जहाँ जल ना हो। तब भगवान विष्णु अपने शरीर को 100 योजन 1000 योजन विस्तृत कर दिया और अपनी जंगा पर पृथ्वी दिखा दी और उन्हें वरदान जो वचन पूरा करने के लिए जो जंगा रूपी पृथ्वी पर जो अपने शेष रख दिए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा उनके शेष काट दिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं देवता या घोर संकट में आते हैं, उसमें वे भी इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकदा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के कारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश वेश में समृद्धि मान प्राप्त होता है। और क्लीं के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता जी चरणों बैठे हुए हम सभी भक्तगण 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडारे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडारे विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें।
सचिया जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियों उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते ही माता भेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा इतनी शक्ति हमें दे शक्ति हमें दे माता, अंधविश्वास कमजोर हो इतनी शक्ति हमें दे माता, अंधविश्वास कमजोर हो इतनी शक्ति हमें दे माता, कमजोर हो हम चले रे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम चले हाजिर रहिए और ऊंचा क्या मत हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सहारी आदमी है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा हर पीठ में है पाप का बोझ बढ़ता पिताए तो जाने कैसे ये धरती जमी है, बोझ ममता का तो ये उठा ले तेरी रचना कही अंत होना, बोझ ममता का तो हम चले रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम चले रस्ते पे हमसे पाए अपने किए की
तो सहले खुशी से Oh, it's
एक जन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय भावना की भूखी है मां भावना की भूखी है मां पर भावना एक सार है Oh, my God.
भावना की भूखी है माँ
को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है। जय करा मेरी शेरोवाली मैया जी का और सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय करा शेरोवाली बोल सच्चे दरबार की जय। फूलां दा बनाया तेरा हार शेरोवालिए गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरोवालिए। फूलां दा बनाया तेरा हार शेरोवालिए गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरोवालिए। फूलां दा बनाया तेरा हार च बैठा के दे दे प्यारा वालिए। फुला दा बनाया तेरा हार शेरा वालिए गोदी च बैठा के दे दे प्यार शेरा वालिए। फुला दा बनाया ओ मैं फुला दा बनाया भगत त्यानू ने त्यान तेरा लाया कटे होए घोड़े दा मशीज मिलाया जी। भगत त्यानू ने त्यान तेरा लाया जी कटे होए घोड़े दा मशीज मिलाया जी। भगत त्यानू ने त्यान तेरा लाया जी कटे होए घोड़े दा मशीज मिलाया जी। भगत त्यानू ने त्यान तेरा लाया कटे होए घोड़े दा मशीष मिलाया से। शहनशाह दा तोड़या अंकार शेरावालिए गोदी च बिठा के दे दे शेरावालिए। शहनशाह दा तोड़या अंकार शेरावालिए गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरावालिए। फुला दा बनाया तेरा हार शेरावालिए गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरावालिए। फुला दा बनाया तेरा हार शेरावालिए गोदी च बिठा के दे दे प्यार शेरावालिए। चंडी रूप तार के तो दुष्टानु सी मारिया
Vale.
काली माता श्री सदा करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिपणो तुम चोरु रत्नावली हास देहलताम देवाकरणे वाम नेत्रयोधासिता काला कुंभ कपाल नीरज करा चंद्रार्ध चूड़ाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावती चिंतये सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्याकालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्दतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ जज्ञेहि ऋतेन तन्तन्वम् वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयोऽस्तु श्रीवर्चस्व आयुष्यम आरोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्ममान कुल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पेश्वर आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी नैया जय जा I'm
अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता की आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर बोलो जय माता दी, आवे बेला जय माता दी, कन्या बेला जय माता दी, दोनों हाथ जोड़ करके
माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो रहि, यशो देहि दिशो रहि, सर्वमंगल मंगल्ये, सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता गुरु जी को वंदना, तृतीय मेरे कार्य करो हमेश, जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, नया जो पहर जो सतगरी जो चरणा ध्यान, जय
खड़गम चक्र गदेशु जाप परिदान शूलंग शुंडिं शिरा शंकम संददतिं करेति नयनं सर्वांग भूषावृतं नीलाश्वन्तिमास्य पादकशिता सेवे महाकालिका यामस्तौ स्वपिदेहरौ कमलजौ अन्तं मधुं केतवम् अक्षातपरशुं गदेषु कुलिशां पद्मं धनुष्कुण्डिकां गण्डं शक्तिमतिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पातु सुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नानना सेवे सेवमर्दनी महिमः लक्ष्मी सरोयस्तिता घण्टा शूलहराणि शङ्खमुदरे चक्रं धनुसायकम् हस्ताभिदर्विन्दनान्तमिलत चेदाशतुल्यप्रभा गौरी देवतमुद्भवा प्रियरता आधारभूता मा पूर्वामद्र सरस्वती मनुवरे शुम्भाभिव्यक्तादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं धरणकर्तृशं वेदवर्णं शुभां शुभशान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विश्वमभयवरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे वसुदे दवारे गोविन्द गोपाल मग्न ज्ञानं व्रजे शरणं व्रजे विद्यां व्रजे भगवन् नमोऽस्तुते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लुंगड़ा भीर डाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत वरे हार हो भारत वरे हार हो भारत वरे हार हो बोलो हर हर महादेव गुरु बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।